नमस्ते सत श्री अकाल सबको, दिस इज साहिल गौरी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आईडी गुवाहाटी के बारे में। इस कॉलेज के बारे में लेटेस्ट प्लेसमेंट स्टार्ट्स कवर कर रहे होंगे 2023 की। इसके अलावा यार आपका कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, कैसा हॉस्टल रहता है, क्या कट ऑफ जाती है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, सारी चीजें यार कवर होने वाली है, तो एंड तक वीडियो को जरूर देख लेना। अब यार ऑलमोस्ट आपके टॉप के 4-5 ही ट्रिपल आईडीज रह गए हैं, बाकी सारे के सारे हमने ट्रिपल आईडीज ऑलरेडी कवर कर दी है। तो अगर आप लोगों ने नहीं चेकआउट किया है डेफिनेटली जाकर चेकआउट कर लेना। और आने वाले टाइम में यार जितने भी बच्चे आपके NITs हैं, private colleges हैं, जितने भी यार आपके exams वगैरह होते हैं, उन सभी के updates वगैरह आपको इस channel पे मिलने वाला है। तो यार जरूर channel को अगर subscribe नहीं किया, जल्दी से जल्दी यार channel को subscribe कर लेना। अब बिना किसी देरी के यार video को हम start कर रहे होंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये ट्रिपल आईडी गुवाहाटी का यार पर्टिकुलरली लोगो रहता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के बारे में बात करने वाले हैं। ये इनके यार जो परमानेंट कैंपस है उसकी मैंने फोटो लगा दी है, काफी बढ़िया कैंपस देखने को मिल रहा होता है। इंट्रोडक्शन पे आते हैं यार, इंट्रोडक्शन की बात करें, एस्टेब्लिश हुआ था आपका 2013 में और ये निर्फ रैंकिंग इसको दे दी गई है, दैट इज व्हिच इज बिटवीन 151 से 200 के स्लैब के बीच में है, लेकिन निर्फ रैंकिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। जहां पे यार आपका वीआईटी टॉप 10-12 में रैंक कर रहा होता है ना, तो उस चीज पे यार आपको रैंक ध्यान नहीं देनी चाहिए। इसके बाद यार आगे जल्दी से बढ़ेंगे आपके मोड ऑफ एडमिशन पे। मोड ऑफ एडमिशन यार सेम रहता है आपका सारे के सारे ट्रिपल आईडीज एनआईडीज के लिए। जेई मेंस आप लोग को देना होता है, जोसा और सीसैप दो काउंसलिंग हो रही होती है, उन्हीं के थ्रू आपका सारे के सारे ट्रिपल आईडीज एनआईडीज में एडमिशन हो रहा होता है। ये हो गया आपका मोड ऑफ एडमिशन। इसके बाद यहाँ पे कोर्सेज आते हैं। कोर्सेज मेजरली दो देखने को मिलते हैं आपको, मेन कोर्सेज सीएससी और ईसी। इन्हीं की यार यहाँ पे सीट मैट्रिक्स भी गिवन है, ओवरऑल सीट मैट्रिक्स दिखा रखी है। फीमेल कोटा डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको, काफी कम ट्रिपल आईडीज होते हैं जहाँ पे फीमेल कोटा होता है एंड दिस इज वन ऑफ देम। यहाँ पे यार अगर मैं बात करूं तो आपको यही सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, नहीं तो आपको यही पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पे भी डल रही होंगी कुछ टाइम में। तो टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद यार इन्हीं की कट ऑफ भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये यार आपकी जोसा की राउंड 6 की मैंने कट ऑफ यहाँ पे बता रखी है। सीसैप की कट ऑफ मैं नहीं बताता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यार वो ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो इतना ज्यादा ना आपके मतलब एक तरह से सिक्योरिटी नहीं रहती कि यार हो सकता है आप यहाँ पे टारगेट करो कि यार 35 आपकी सीसैप जा रही है, 40,000 आपकी 40,000 आ गई, आप सोचो कि मेरे को मिल जाएगा ट्रिपल आईडी गुवाहाटी, लेकिन यार एंड में आपकी 38,000 पे क्लोज हो जाती है, तो वहां पे रिस्क रहता है। इसलिए यार टारगेट इन्हीं को किए करो और यार चांसेस फिर ज्यादा हो जाते हैं कि यार आपका इसी पर्टिकुलर ब्रांच में हो जाता है जो आप टारगेट कर रहे होते हो। तो ये हो जाता है कट ऑफ, इनको भी यार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना, वहां पे कुछ टाइम में आपकी पीडीएफ वगैरह अपलोड हो रही होंगी। इसके बाद यार मेन चीज पे आते हैं, दैट इज प्लेसमेंट। प्लेसमेंट की यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज आपकी हाईएस्ट पैकेज, दैट इज 1.2 करोड़ रुपीज, जो कि यार डेफिनेटली इंटरनेशनल पैकेज है और काफी बढ़िया पैकेज माना जाएगा। एवरेज की बात करें 15.5 LPA निकल के आ जाता है, अगेन यार काफी बढ़िया आपका एवरेज निकल के आता है। मीडियम की बात करें तो वो भी यार 14 LPA निकल के आता है, अगेन यार ये भी काफी बढ़िया आपका मीडियम पैकेज आता है। इसके बाद यार 90% ऑफ स्टूडेंट प्लेस हो जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद यार 8+ पॉइंटर मतलब यार CGPA अगर आप इतनी लेके आ जाते हो, तो यार जितने भी आपके सारे सारे NITs ट्रिपल IITs होते हैं उनमें यार जितनी भी कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए, उनमें जो फर्स्ट राउंड होता है कोडिंग राउंड, उसमें आप इजिली बैठ पाते हो। इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है, PPO भी मिल जाता है। PPO होता है प्री प्लेस ऑफर, मतलब यार अगर आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हो और उस कंपनी को आपका काम पसंद आता है इंटर्नशिप के दौरान, तो यार वो आपको डायरेक्ट हायर कर लेते हैं, उसे बोलते हैं प्री प्लेसमेंट ऑफर। इसके बाद यार कुछ बढ़िया-बढ़िया कंपनीज जो बहुत अमेजिंग पैकेजेस यहां पे दे रही होती हैं उनके बारे में बात करें तो Amazon, Atlassian, Tikeon, Juspay, Western Digital, C-Dot, गेम्सक्राफ्ट आ रहा होता है आपका, फोर्स पॉइंट, एनवीडिया, सिलिकॉन लैब, सैमसंग, जियो, सिस्को, ZSS8, तो यार ये काफी बढ़िया बढ़िया पैकेजेस दे रही होती हैं कंपनीज, तो यार ये सारी कंपनीज यहाँ पे आ रही होती हैं। अब यार यहाँ पे कुछ आपका डाटा भी दिखा रखा है, तो ये परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स अगर हम देखें, सीएससी में आपके 92% ऑफ स्टूडेंट प्लेस हो जाते हैं और ईसी में अप्रॉक्सिमेटली 80% ऑफ स्टूडेंट प्लेस हो जाते हैं, ओवरऑल आपका 89.19% है। यहाँ पे आप मैक्सिमम पैकेज की बात करें तो आप देख सकते हो सीएससी में गया 1.2 करोड़, दैट इज 120 LPA, और यार ईसी में गया आपका 37 LPA, जो कि यार काफी अच्छा पैकेज माना जाएगा। इसके बाद यार एवरेज की बात करें तो यार सीएससी में आपका 17 LPA आ जाता है और ईसी में आपका 11 LPA के आसपास आ जाता है, ओवरऑल 15.50 LPA निकल के आ रहा होता है। मीडियम पैकेज की बात करते हैं तो यार सीएससी का जा रहा होता है आपका 14.5 LPA और ईसी का जा रहा होता है 10 LPA यहाँ पे, और यार ओवरऑल 14 LPA के आसपास निकल के आ जाता है आपका मीडियम। तो यार काफी अच्छे इनके पैकेजेस हैं, प्लेसमेंट आपका स्टार्ट्स वगैरह काफी अच्छे हैं, तो यार डेफिनेटली टॉप के 4-5 आपके ट्रिपल आईडीज में कंसीडर किया जाता है इसी वजह से। तो यार ये हो जाता है ओवरऑल प्लेसमेंट के बारे में। आई डोंट थिंक यार मैंने कोई भी चीज यहाँ पे छोड़ दी है, बाकी यार कोई भी डाउट होता है प्लेसमेंट के रिगार्डिंग आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब जल्दी से बढ़ रहे होंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जैसे कि बताया था आपको यहाँ परमानेंट कैंपस मिल चुका है, दैट इज स्प्रेड अक्रॉस 67 एकर्स,
क्लास लैब लाइब्रेरी कंप्यूटर सेंटर ये सारी चीजें आप लोग को मिल जाती है। फैकल्टी काफी अच्छी देखने को मिलती है, कोई भी यार नेगेटिव रिव्यूज मेरे को नहीं मिले। वाईफाई एनेबल्ड कैंपस है, गुड स्पीड आप लोगों को देखने को मिल जाती है। स्पोर्ट्स के मामले में सारे स्पोर्ट्स देखने को मिल रहे होंगे, फुटबॉल क्रिकेट बास्केटबॉल बैडमिंटन जिम टेबल टेनिस और यार काफी जितने भी स्पोर्ट्स है ना मतलब सब देखने को मिल जाते हैं। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिल जाती है यहाँ पे, स्टार्टअप कल्चर आपको प्रमोट किया जाता है, इंक्यूबेशन सेंटर वगैरह भी आप लोग को दिख जाता है, कैंटीन स्टेशनरी शॉप ज़ेरॉक्स शॉप हेल्थ सेंटर बैंक एटीएम वगैरह ये सारी चीजें यार सारी फैसिलिटीज आप लोग को मिल रही होती है कैंपस के अंदर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यार टॉप नॉच देखने को मिलता है आपको। इसके बाद यार जल्दी से आगे बढ़ रहे होंगे आप पे फीस स्ट्रक्चर के ऊपर। फीस स्ट्रक्चर की बात करें, इंस्टीट्यूशन फीस आपकी 1,25,000 रुपीस पर सेमेस्टर जा रही होती है। हॉस्टल फीस की बात करें 12,500 रुपीस जा रही होती है, ये सिर्फ हॉस्टल की है। मेस फीस आपकी पर मंथ जा रही होती है, दैट इज 4,000 रुपीस, और क्वेश्चन बन जाती है 5,000 रुपीस जो कि यार आपकी लास्ट में रिफंडेबल होती है। ये हो गया आपका ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर। इसके बाद यार बात करें तो यहाँ पे हॉस्टल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे यार आपका बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल दोनों देखने को मिल जाते हैं, आपके गर्ल्स टू बॉयज रेशियो 1:5 के आसपास रहता है। बेड टेबल चेयर बुकशेल्फ वगैरह सारी चीजें आप लोग को मिल जाती है। डबल एंड सिंगल शेयरिंग रूम दोनों तरह देखने को मिल रहे होते हैं, मोस्टली यार फर्स्ट सेकंड ईयर को डबल शेयरिंग मिलते हैं, उसके बाद आपको सिंगल शेयरिंग मिलते हैं। वाईफाई फैसिलिटी मिल जाती है जिसकी यार स्पीड वगैरह काफी अच्छे देखने को मिल रही होती है। कॉमन वॉशरूम रहते हैं जो कि यार क्लीननेस के मामले में काफी सही रहते हैं। इसके अलावा कॉमन रूम्स मिल जाते हैं जहां पे टीवी वगैरह भी लगा होता है, तो आईपीएल हो गया आपका, जितने भी वर्ल्ड कप वगैरह होते हैं गेम्स वगैरह सारे बच्चे वहां पे मिलकर देख रहे होते हैं। मेस फूड वगैरह डिसेंट रहता है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि यार बेकार खाना है, काफी सही खाना मिल जाता है आप लोगों को डेफिनेटली। नाइट कैंटीन्स भी देखने को मिल रही होती हैं, तो यार जितने बच्चे रात को कोडिंग वगैरह करते हैं पढ़ाई करते हैं उनके लिए काफी ज्यादा प्लस पॉइंट होता है नाइट कैंटीन मिलना। तो ये हो गया ओवरऑल हॉस्टल के बारे में। अभी यार कुछ चीजें रह गई हैं, दैट इज फेस्ट क्लब्स वगैरह। तो फेस्ट की बात करें, युवान इनका एक मेन फेस्ट हो रहा होता है, काफी बढ़िया फेस्ट मान जाता है। इसके अलावा यार क्लब्स की बात करें तो यहाँ पे यार काफी सारे क्लब्स हैं आपका, प्रोग्रामिंग क्लब, रोबोटिक क्लब, फोटोग्राफी क्लब, क्विज क्लब, डांस क्लब, म्यूजिक क्लब, और इसके अलावा यार आपका ड्रामा क्लब। इसके अलावा भी काफी सारे क्लब्स हैं जिनके यार यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, तो आप जरूर जाए करो, पार्ट वगैरह लिए करो, आपकी काफी सारे स्किल्स वगैरह डेवलप होती हैं क्लब्स में जाने से। इसके अलावा यार अटेंडेंस की बात करें 75% के आसपास यहाँ पे लोचा रहता है। बाकी यार आपके सीनियर्स वगैरह बता देते हैं कि यार किस टीचर की क्लास में आप लोग को जाकर मेंटेन करनी पड़ेगी अटेंडेंस, और कौन सी टीचर इजिली अटेंडेंस वगैरह दे देती है, तो वो सारी चीजें यार सीनियर्स से आप लोग को पता लग जाती हैं। तो ये हो जाता है इस कॉलेज के बारे में, मैंने यार सारी चीजें यहाँ पे कवर कर दी हैं। आई डोंट थिंक सो यार कोई भी चीज रह गई होगी। बाकी यार अगर कोई भी एज सच पर्टिकुलर डाउट होता है डेफिनेटली यार आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा यार अगर आप लोगों ने यहां तक वीडियो देख लिया डेफिनेटली यार लाइक का बटन दबाना, काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यार जैसे आप लोगों को बताया सिर्फ टॉप के 5-6 आपके ट्रिपल आईडीज रह गए हैं, बाकी सारे के सारे ट्रिपल आईडीज कवर हो चुके हैं, तो उनको नहीं चेकआउट किया जरूर जाके चेकआउट कर लेना। आने वाले टाइम में आपके सारे के सारे एनआईटीज प्राइवेट कॉलेजेस जितने भी एग्जाम्स के अपडेट्स वगैरह आ रहे होते हैं कैसे प्रिपेयर करना है ये सारी चीजें यार आपको चैनल पे मिल रही होंगी। तो जरूर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया जरूर यार सब्सक्राइब कर लेना, और जितना ज्यादा आप लोग शेयर कर सकते हो दबा के शेयर कर दिए करो वीडियोस वगैरह को टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह पे। इसके अलावा यार आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे डीएम वगैरह भेज सकते हो, लिंक्डइन पे भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, वहां पे भी यार काफी एक्टिव रहता हूं मैं। तो यार इतना ही था बस इस वीडियो के लिए, मिलते हैं ऐसी इस वर्ड्स नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, सी यू, बाय बाय।